नाज़रीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। दोस्तों, ये हमारे लिए सआदत की बात है कि हमारे दरमियान में कुछ ऐसे अशखास, कुछ ऐसे चेहरे हैं कि जो कुवैत की ताबानी में इजाफा करते हैं और यहाँ पे उर्दू अदब जिनकी बुनियाद पे जिंदा है और कारंदा है। मैं इस महफिल के मेहमान खसूसी और सदर मुहतरम जनाब अब्दुल्ला अब्बासी साहब, जो कि रेडियो कुवैत की एक सुनहरी आवाज़ है, उनको अच्छे अवकाब के अंदर यहाँ पे मदऊ करना चाहूँगा और उनका इस्तकबाल करता हूँ। इसके अलावा हमारे दरमियान में हकीम तारिक महमूद साहब हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। जनाब इरफान लीजेंड साहब हैं, जो कि एक मशहूर सियासी शख्सियत हैं, उनका भी इस्तकबाल है। हमारे यहाँ बादशाह के यहाँ गाड़ियों के इंचार्ज जनाब राबिद सिद्दीकी साहब आपके दरमियान तशरीफ फरमा है, उनका भी इस्तकबाल है। खूबसूरत तरीन आवाज़ जनाब नदीम मुजफ्फर नगरी साहब हमारे दरमियान है। मैं खासकर मसूद हसास साहब तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने गरीब खाने को रौनक बख्शी। आप हजरात के आ जाने की बुनियाद पर मेरी इज्जत वक़ार में इजाफा हुआ, आप हजरात का बेहद शुक्रिया। खसूसी बात यूँ हुई कि मैं चाह रहा था कि ईद के मौके पर लोगों से मुलाकात हो जाए, तो मैं आज जनाब से गुजारिश करूँगा कि जनाब नज़र कड़बी साहब के ताल्लुक से कोई बात करें और कुछ ऐसे वाकयात या कुछ ऐसी बातों का इजाफा करें कि जिससे नज़र साहब की शख्सियत पर उनके फन पर रोशनी पड़ती है। मैं जनाब अब्दुल्ला अब्बासी साहब से गुज़ार हूँ कि आप अपनी राय का इजहार करें। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मसूद अहसास आपका और आपके तमाम अहबाब, अकीम तारिक, इरफान भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त, नदीम भाई, और उसके अलावा खासतौर पर हमारे नज़र सही पर जो मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी मोहब्बत, इनायत और इनकी ये कहेंगे कि इनकी खास इनायत उस पर इस तरह से रही कि ये हमेशा, जब भी मैंने उनको आवाज़ दी, हमेशा मेरे साथ न सिर्फ चलते रहे बल्कि कदम ब कदम मेरे साथ चलते रहे। जैसे मैंने कभी कहा कि फरोग उर्दू अदब की खातिर ये काम हमको करना है, आखिर हमारा मकसद है भाईचारा, सफर पर यार निकल चुके हैं, अगर मुनासिब हो तुम भी आओ। आप यकीन करें वो कदम से कदम मिलाकर चलने वालों में सही नजर का नाम सबसे पहले आता है। और मजे की बात बताऊं, उस जो हम लोग मुशायरे जितने भी ये मुनक्किद किए उनके ज्यादातर रूहे रवां उसमें जो खास तौर पे अहम किरदार अदा करने वाले सही नजर साबित होते थे और सही नजर को हमेशा एक ये मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि इस कोयत के अंदर एक ऐसी फिजा को कायम किया जाए जो उर्दू के साथ अदब भी शामिल कर दिया जाए। उसके अंदर अदब शामिल करने के बाद जब हमें ये एहसास होने लगा कि और सही नजर साहब ने जब भी हमारे मुशायरों में शिरकत की, इनका जोश और बलबला यकीन करें नहीं भुला सकता। एक शेर को भी इतने जोर से बोलते हैं कि नजर आता है कि नजर ही ये शेर कह रहा है, और नजर सही साहब के शेर कहने का अंदाज भी अलग ही है। खासतौर पे वो जब जोश जुनून में जब निकल जाते हैं तो इनके जुनून का आलम देखना आपके लिए बड़ा महाल हो जाएगा। आपकी समाते यकीनन मतवज्जा हो जाएंगे, उस तरह अभी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि हम किसी को सुन रहे हैं। आप यकीन करें बहुत सारे मुशायरों में, बहुत सारी महफिलों में आप जाते हैं, मैं खुद अपनी बात करूंगा, अगर मैं बहुत देर तक आपसे बातें करूंगा और अगर मेरी बातों में असर नहीं होगा तो बहुत देर तक आप ना सुन पाएंगे। मगर सही नजर वो वाहिद शख्सियत है जो आधे घंटे तक भी शेर व शायरी अगर करते रहे तो आपका दिल चाहेगा कहिए ना, कहिए ना, अरे फिर कहिए ना, क्या बात, क्या बात, और वो कहते रहेंगे। आप यकीन करेंगे वो हमेशा कहते रहेंगे और जब भी कहेंगे अच्छा कहेंगे। इनके शेर मजमूए आ चुके हैं और दोनों को दोनों इस काबिल हैं कि आप कम से कम दो बार से तीन बार पढ़ सकें, उन शेरों को अजबर कर सकें। कुछ शेर अशार ऐसे होते हैं जो आपके दिमागों में रह जाते हैं, जो दिल के आपके बहुत करीब हुआ करते हैं। शायर हमारी जिंदगी का या हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा सरमाया होता है, यानी कि लोगों से मैं अक्सर बिस्तर ये काम करता हूँ, शायर कहलाना बहुत मुश्किल काम है। मैं अपने आप को कभी ना शायर कहता था, ना कहता हूँ, ना कहूँगा कभी, क्योंकि शायर
एक महतरम अहदे का नाम है, एक ऐसे अहदे का नाम जो जेर जबर पेश तमाम चीजों को जमा करता है, जो एक नून गुन्ने में और नून के अंदर शामिल एक नुक्ते का भी ख्याल रखता है, जो कि उस यानी वो आबशार से गिरने वाले जो झरने होते ना छोटे छोटे, उनको भी बर्फ की तरह जमा दिया करता है। इसको पता है कि किसको कहां से कहना है। और आप यकीन करें, समंदर की लहरों में जब तीन लहरें होती और वैसे ही एक शायर आज मेरे साथ, मेरे लिए शर्फ की बात है, आप यकीन करें कि मेरे साथ सईद नजर मौजूद है और मैं बहुत ही फखर के साथ ये बात लोगों को बताया करता हूँ कि मैं भी सईद नजर साहब का दोस्त हूँ, मैं भी चाहने वाला हूँ, मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ। सईद नजर भाई, आई लव यू टू मच। और आखिर में बस इतना सा जरूर कहूंगा, सईद नजर साहब न सिर्फ मेरे, आपकी और हम सबके पसंदीदा है, बल्कि एक बहुत अहम काम और भी कर रहे हैं। वो काम है कि इसलाह करना एक बड़ा मुश्किल काम है, शायर के लिए बड़ा मुश्किल काम है, खासतौर पर किसी भी बड़े शायर या छोटे शायर को अगर आप एक नज्म या गजल ले आके दे दें तो आपको न जाने के लिए आप शायरी छोड़ देंगे। आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आप ये सोचेंगे मेरे अशार कहाँ गए, मैंने जो सोचा था वो कहाँ गए, मैंने तो शायर को दी थी इसलाह करने के लिए, वो उसके बाद जब आपकी गजल आपके हाथ में वापिस आएगी तो आपकी गजल ना रह पाएगी, वो उसका इस तरह से हुलिया बिगड़ चुका होगा कि नून गुनने के अंदर तीन गुनने लगे होंगे। आप यकीन करेंगे, आप सोचते रहेंगे कि मैं कौन से नून को पढ़ूंगा। उस नून को पढ़ने के लिए आपको दिमाग चाहिए होगा। जब आप उससे पूछेंगे शायद से कि भाई ये इसके अंदर जो नीम नून के तीन गुनने कैसे आ गए, तो यही तो समझाने के लिए तुम्हें मैं अपने पास बुलाऊंगा, अब आ जाओ मेरी शागिर्दी में। और शागिर्दी में आने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, मगर लोगों से मैं अक्सर ये जरूर कहा कर सकता हूँ कि जब भी शायरी करें, जब भी अशार करें, अपने बुजुर्गों को, सही नजर जैसे लोगों को इसलाह जरूर करवा दिया करें, क्योंकि ये आपके नाम की, आपकी इज्जत की, आपके नामूस की हिफाजत करते हैं। आपके कहे हुए अल्फाज आज अब्दुल्ला अब्बासी अगर आपको कुछ कह रहा है, वो जिम्मेदारी के साथ कहेगा, कोई ये नहीं कहेगा मैंने गलत कहा या सही कहा। लोग कहें अब्दुल्ला अब्बासी ने अल्फाज कहा, बस सोच लेते आपकी इज्जत यूं भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है। ये लफ्ज लफ्जों को उलट के बहुत मुश्किल काम है। अपनी जंबील में, वो उम्र यार की जंबील हुआ करती थी, अपनी जंबील में हमेशा कुछ अल्फाज ऐसे रखा करें कि जब आप किसी जगह आपको कुछ अच्छी समातों तक वो अल्फाज पहुंचाने हो तो सही नजर जैसे भी सोहबत अख्तियार करें। आप यकीन करें इनके पास से या किताबों से मुताला बहुत जरूरी, इन सब चीजों से आपको कुछ अल्फाज ऐसे मिल जाएंगे जब आप लोगों तक ये पहुंचाएंगे तो आप यकीन करें कोई भी आपसे मिलेगा तो उसका दिल चाहेगा कि आप उसकी समातों में रस घोलते रहे। और जब आपकी समात उनकी समातों में रस घुलता है ना, आप यकीन कीजिए, जैसे सईद नजर साहब के अशार जब मैं पढ़ता हूँ तो ये मेरे समातों के जरिए दिल में उतर जाते हैं, और जब दिल में उतरते हैं ना तो फिर दिल चाहता है कि सुनते रहिए, सुनते रहिए और सुनते रहिए। तो सईद नजर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नया मजमूआ आ गया है समय ग्राम, और आप लोगों की समातें यकीनन आप लोग सब लोग इसको सुनना भी चाहते होंगे और खासतौर पर पढ़ना भी चाहते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुसूद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे जनाब अब्दुल्ला अब्बासी साहब, जो कमोबेश 16 बरस से रेडियो पोएट उर्दू नशरियात पे, यूं कहिए कि काबिज है, जहां पे भी सुनाई देता है तो इन्हीं की आवाज सुनाई देती है। तो बहरहाल अब्दुल्ला अब्बासी साहब इस वक्त उर्दू के फरोग के लिए जो संजीदा कोशिशें कर रहे हैं और इंतहाई सहलुल हुसूल अल्फाज पे मुश्तमिल गुफ्तगू करते हैं, वो लोगों के दिलों में पैवस्त हो जाती है। और जनाब ने जो कुछ भी गुफ्तगू जनाब सईद नजर साहब के तवस्सुत से फरमाई है, मैं उसके हर हर तारीफ करता हूँ। और यहाँ से मैं अपनी चंद बातें जनाब सईद नजर साहब के ताल्लुक से बता दूं कि शायरी असल में दो तरह से की जाती है, या तो आपके अपने ऊपर कोई दर्द बीत रहा है उसे आप शेर में डाल दें, सही हो गया, या फिर ये है कि आपके महसूसात और मुशाहदात इतने तेज़ो तर्रार हैं
कि आपके पड़ोस के अंदर या आफाकियत के अंदर कोई भी घटना घटी, कोई वाकया सामिहा रूनुमा हुआ और आपने उससे अख्ज करके शेर बना दिया। अब आप बीती को जग बीती बनाना और जग बीती को आप बीती बनाना, यही असल में शायर का काम है। तो जनाबे सईद नजर कड़कवी साहब के अंदर ये खास बात मैंने देखी है कि जब आप इनके मजमूने का मुताला करेंगे तो तकरीबन तकरीबन इनका लफ्जी, इनकी लफ्जियाती रविश अब्दुल्ला अब्बासी की जैसी ही है। जिस तरह से वो इंतहाई सहल अल्फाज पे मबनी जुमलेजात तख्लीक करते हैं, ऐसी ही सईद नजर कड़कवी साहब भी करते हैं, लेकिन ये आम इंसानों की गुफ्तगू करते हैं, आफाकियत की गुफ्तगू करते हैं, दर्द की बात करते हैं, दर्द जिगर की बात करते हैं, गली कूचों के अंदर भूख से तड़पते बिलबिलाते नंगे बच्चे जो घूम रहे होते हैं उनके दर्द को अपने लफ्जों के जरिए से इरदास पे पच्चाकारी और नक्शागरी करते हैं। बेशक तो जनाबे सईद नजर कड़कवी साहब यही बुनियाद है कि अल्फाज तो इंतहाई रानाई भरे उनके जरूर नजर आएंगे, लेकिन अगर गहराई और गहराई से मुताला करेंगे तो महसूस होगा कि आ जनाब गम में डूबे हुए हैं। और यही बुनियाद है कि आ जनाब का जो पहला मजमू आया था वो गम के सूरज था और दूसरा जो मजमू है जो शेरी मजमू वो चांद अदम का है। अब यहाँ से अंदाजा कायम कीजिए कि एक शख्स उम्मत के दर्द में किस कदर मुस्तरक है कि वो गम से उभर ही नहीं पाया, ताकि पहला मजमू आया है तब भी गम में मुस्तरक था और दूसरा मजमू कमोबेश मेरा ख्याल है कि 20 बरस के बाद आ रहा है तब भी मुस्तरक है। इस सिलसिले में एक छोटा सा वाकया आपको बता दूं कि जब 2003 के आखिर 2003 के अवायल में मैं कुवैत आया तो तकरीबन 2004 तक मैं किसी को जानता तक नहीं, लेकिन मिर्गाद में एक चचा आजमी थे सफेद दाढ़ी वाले थे, तो उनकी एक अखबार की दुकान थी और वहां पे कुछ किताबें बाहर से आती थी जो हिंदू पाक से आती थी, मैं वहां जाया करता था। तो वहां मैं एक किताब देखता था सईद नजर कड़कवी की कि गम का सूरज, गम का सूरज, गम का सूरज, और कई नुस्खे वहां पे रखे हुए थे। एक दिन मैंने उसको हाथ में लिया और उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद में मैंने देखा कि उस वक्त जबकि मैं इनको जानता तक नहीं था वो अल्फाज और उसके अंदर पोशीदा, उसके बदन में पोशीदा मानी और मफाहीम मेरे जहन को इस तरह से अपनी जकड़न में लिए कि मैंने कितनी गजलें उसी रविश पे तख्लीक की। अच्छा, उसके बाद 2005 के अंदर मैंने लोगों से मुलाकातें शुरू की, फिर आपसे भी मुलाकात हुई। बहरहाल एक बात है कि लफ्जियात के एतबार से जैसे सकील अल्फाज पे हामिल गजल मैं कहता हूँ, कमोबेश हमारे नजर साहब उस तरह से अल्फाज नहीं बरतते हैं, लेकिन वह अपने इंतहाई आसान लफ्जों के बीच में ऐसे मानी बरतते हैं कि जिन मानी का ताल्लुक बैक वक्त तब्बे जिगर और दर्द जिगर के साथ, दर्द पाँव के साथ भी मुंसलिक होता है। और मेरा ख्याल ये है कि जब एक फर्द अपनी जगह से सफर करता हुआ कौन तक पहुंच जाए तो ये वो सफर है कि जिस सफर के अंदर संगे मील के बाद में मंजिल का भी पता आ जाता है। मैं जनाबे सईद नजर कड़कवी साहब को इस मंजिल रसी की बुनियाद पर मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर उनके कलम से इसी तरीके से हम आवर किताबें आती रहेंगी और हमें ऐसे अशआर सुनने को मिलेंगे जो फरोगे उर्दू के लिए और इसके अलावा अच्छे मुआशरे की तशकील के लिए इनके शेर मुआविनों मददगार साबित होंगे। बेशक और यहाँ पे पहुंचने के बाद में मैं बजाते खुद गुजारिश करूंगा जनाब सईद नजर कड़कवी साहब से कि आप अपने नए मजमूए से कुछ कलाम हमारे यहाँ हमें जरूर सुनाए ताकि हमारी समातों में उजाला भर जाए। सईद नजर साहब सुनाने से पहले इस मजमू मैं शुक्रिया बजा लाना चाहता हूँ हमारे आदाब गजल अकेडमी का। वाकई आदाब गजल अकेडमी की जानिब से जितने अरूस पे क्लासेस में हैं इनकी कोशिश ये रही कि जो लोग अरूस का इल्म नहीं रखते उन तक इस इल्म को पहुँचाया जाए और शायरी के मैदान में उनको लाया जाए, क्योंकि इनका मुशाहिदा ये रहा
बहुत ही कम लोग हैं जो वाकई इस इल्म से जो है वाकफियत रखते हैं, तो ये चाहते थे कि इस इल्म को जो है दूर दूर तक फैलाया जाए ताकि आने वाली नस्ल तक इसका फायदा उठा सके और नौजवान, खासकर नौजवान लोग इस मैदान में आए और शेर कहें, शायर बने, क्योंकि काफी लोग इस इल्म से वाकिफ न होने की वजह से दूरी इख्तियार करते हैं अदब से, तो इसलिए इनकी ये कोशिश बहुत ही कारगर साबित हुई है और काफी लोग जो है इस मैदान में आए हैं। 200 लोग ये मामूली बात नहीं, 200 लोगों को जो है क्या इल्म से वाकिफियत कराना, और वो खुद अपने तौर पे जो है शेर तख्लीक कर रहे हैं और अच्छी गजलें कह रहे हैं, तो ये सरपरस्त हैं इस कमेटी के। और मैं आज जो महफिल यहाँ पे सजी है, जो मुनक़िद हुई है, और इसी आदाब गजल एकेडमी के जो जनरल सेक्रेटरी मसूद हसन साहब हैं, इनकी कोशिशों का नतीजा है कि हम यहाँ पे एक साथ जमा हुए हैं। ये और मेरी किताब पे बात हो रही है, और अब्दुल्ला अब्बासी साहब बहुत ही मतलब एक अरसे से मैं अब्दुल्ला अब्बासी साहब को जानता हूँ और बहुत ही मोहब्बत और मुखलिस मोहब्बत रखने वाले इंसान हैं, मुखलिस इंसान हैं, और जब भी मिलते हैं बहुत ही जोश और जज्बे के साथ मिलते हैं, अदब की बात करते हैं। मजमुआ आपके हाथों में है और मुझे यकीन है कि मेरी ये कोशिश आपको जरूर पसंद आएगी। ये दोनों चीजों में गम क्यों है, चांद के साथ भी है और सूरज के साथ भी है? असल में गम में जो पायदारी है वो किसी और मुझे गम बहुत अजीज है। क्या बात है, मतलब भाई क्या बात है, एक जुमले में डाल दिया कमाल। सुभान एक कमाल करते हैं, मतलब यूं है कि सर्दों का नूर फूटा है माथे पे दाग से, माथे पे दाग से, वाह 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 वाह। सर्दों का नूर फूटा है माथे के दाग से, जाहिर सुरूर पाएंगे जन्नत के बाग से। जन्नत के बाग से, सर्दों का नूर फूटा है माथे के दाग से, जाहिर सुरूर पाएंगे जन्नत के बाग से। हिजरत ज़दा दिमाग पे अफसोस क्यों ना हो, हिजरत ज़दा दिमाग पे अफसोस क्यों ना हो, ये तिश्नगी बुझाता है खाली अयाब से। ये तिश्नगी बुझाता है खाली अयाब से। और ये शेर देखे कि मैंने वालिद साहब को, मेरे मोहतरम वालिद साहब दाऊद निशान साहब और अपने वक्त के बेहतरीन शायर थे, उनका एक शेर मजमुआ भी आलम निशात है, और मेरे बड़े भाई भी शायर हैं माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान है, उर्दू जुबान मुझसे खानदानी शायर उर्दू जी मुझसे मिला है माशाल्लाह का एहसान है, तो उनको नजर में मैंने रख कर ये शेर कहा था कि बुझ तो गया मगर बड़ा काम कर गया, बुझ तो गया मगर बड़ा काम कर गया, रोशन हुए चराग कई इस चराग से। जोश आ रहा है, बुझ तो गया मगर ये बड़ा काम कर गया, रोशन हुए चराग कई इस चराग से। और ये मिसरा जो है तज़मीन का शेर है, गिरे मैंने लगा ली है एक मिसरा, होता ना गम, होता ना गम, ये जलता किसी और हाथ में, होता ना गम, होता ना गम, ये जलता किसी और आग में, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बहुत
होता ना गम ये जलता किसी और आग में से, किसी और आग में इस घर को आग लग गई घर। ऐसे देखे हासिल हुई हमको तरक्की की मंजिलें, हासिल हुई है हमको तरक्की की मंजिलें, ये एक जदीद इल्म के तुरफा सुराख से, तुरफा सुराख से, ये तुरफा सुराख, वाह वाह, एक जदीद इल्म के तुरफा सुराख से, और इसे देखे के उजलत को रख के ताप पे आया करूं यहाँ। अच्छा, रख के ताप अब्दुल्ला भाई की नजर उजलत को रख के ताप पे आया करो यहाँ, हमसे भी मिल के देखो जरा तुम फिराक से, हमसे भी मिल के देखो जरा तुम फिराक से। और मक्ता कहा कि हम तो हमारे दिल की ही सुनते हैं नजर, हम तो हमारे दिल की ही सुनते हैं नजर, अक्सर वो काम लेते हैं अपने दिमाग से, तो हमारे दिल की ही सुनते हैं नजर, अक्सर वो काम लेते हैं अपने दिमाग से, सजदों का नूर टूटा है माथे के लाल से, जाहिर सुनूर पाएंगे। मैं ये चाहूंगा कि जब महफिल गजल की हो रही है तो क्यों ना गजल को गजल के अंदाज में सुन लीजिए। अच्छा, एक गजल है और एक गजाला है, गजल को जब गजल के अंदाज में सुना जाए तो ऐसा महसूस होता है कि गजल गजाला के एतबार से तजसीम पा रही है, और धीरे धीरे वो समाअत के रास्ते दिल की जमीन के ऊपर एक परछाई तख्लीक, इस जमीन में हमारे यहाँ एक बेहतर तरीन नाम, बहुत ही रोशन नाम है, जो अपनी आवाज के साथ में गजल के मफाहिम को इस हिसाब से हम आहंग करता है कि वो हमें जाना के अंदर डूब करके जब वो गजल सरा होता है तो लोग कभी कभी अपने कपड़े भी फाड़ करके महसूस करते हैं कि हम यहीं पे मजबूर हैं। जहाँ पे नदी मुजफ्फरनगर तशरीफ लाए और अपनी उस गजल से जरूर हमें नवाजे कि जिसकी बुनियाद पे न जाने कितने कलंदर कलंदर हो गए। तड़पा दिया मुझे कभी बहरा दिया मुझे बिल्कुल तड़पा दिया मुझे कभी बहला दिया मुझे जुल्फों की तरह आपने उलझा हमारे तरकश की वो तीर है जो डायरेक्ट जिगर पे मार। क्या बात है, क्या बात है, जुल्फों की तरह आपने उलझा दिया मुझे तड़पा दिया। शेर मुलाजा करें जी, बताओ। मैं जाऊं
शेर भी बतौर खास मुनाज़ा करें अब्दुल्ला भाई देखें शेर बर्बादी नसीब का किस से गिला करें बर्बादी नसीब का किस से गिला करें खुद मेरे खुद जानो सुबू सभी के लिए थे जानो सुबू सभी के लिए जानो सुबू सभी के लिए साकी ने बूंद बूंद को तरसाएंगे पेश कर देता हूँ बहुत अच्छा जानो सुबह सभी के लिए आम थे मगर साकी ने बूंद बूंद को दुश्वारे आरज़ू से अब तर के आरज़ू दुश्वारे मसूद भाई इश्क किस मुकाम पे पहुंचा दिया मुझे
से तू मैं बच के गहरे गहरे
जो इस महफिल की जान है। वाह वाह। और जब भी इन्हें सुना गया इनका जज्बे में जो है सामयिक का जज्बा शामिल हो जाता है। वाह वाह वाह। ये कमाल की बात है। आइए हम मसूद हसास साहब को समाप्त फरमाते हैं। पहले जो है कुवैत के साहब दीवान शायर हैं मसूद हसास साहब। मैं आज खिलाफ तबा को मुतफरिक अशआर सुनाई देता सुनिएगा कि गले लगाए अगर ये तो होशियार रहे। अगले मिसरे में वाजे हो रहा है इसका इशारा है कि गले लगाए अगर ये तो होशियार रहे। गले लगा के गला काटते हैं ऊंचे लोग। गले लगा कर गला काटते हैं। बात कर रहे हैं। शेर देखिएगा अजी सुनती हूँ क्या जाने तमन्ना। अजी सुनती हो जाने क्या जाने तमन्ना। मैं तुम पर फिर से आशिक हो गया हूँ। शायद पहुंच जाए कि समाधुत तक की चलिए कुछ मिल नहीं रहा मैं गजल भी सुना देता हूँ। कोई जोशे ईमानी का से जुदा रखते हैं। जोशे ईमानी का हम तर से जुदा रखते हैं। बिल मुकाबिल तभी सूरज के दिया रखते हैं। जोशे ईमानी का हम तर से जुदा रखते हैं। बिल मुकाबिल तभी सूरज के दिया रखते हैं। चंद दुर्वेश सिफत लोग अभी हैं बाकी। चंद दुर्वेश सिफत लोग अभी हैं बाकी। आपके शहर में पानी की खबर रखते हैं। चंद दुर्वेश सिफत लोग अभी हैं बाकी। चंद दुर्वेश सिफत लोग अभी हैं बाकी। आपके शहर में पानी की खबर रखते हैं। और दोस्त का शेर देखिएगा के सफर में बट गई। सफर नगर नगर बट गई। किताब जिंदगी जो थी वरक वरक बिखर गई। किताब जिंदगी जो थी सफर में बट गई। नगर नगर गई। जिंदगी जो थी वरक वरक बिखर गई। और बस एक खौफ के सबब मैं सो सका न रात भर के आंख गर झपक गई तो हाथ से सहर गई। बस एक खौफ के सबब मैं सो सका न रात भर के आंख गर झपक गई तो हाथ से सहर गई। और देखिए कि जबान गुम हो गई पड़ा जो उनसे वास्ता। जबान गुंग हो गई पड़ा जो उनसे वास्ता। किसी किसी मकाम पे तो नब्ज भी ठहर गया। शेर देखिएगा कि कहा था जिंदगी ने मुझसे। हम सफर रहेंगे वो कहा था जिंदगी ने मुझसे हम सफर रहेगी वो मगर ये क्या के चार दिन में कौल से मुकर गया। मगर ये क्या चार दिन में कौल से मुकर गई। और गला मेरा कटा तो क्या किसी की प्यास तो बुझी। गला मेरा कटा
बदर बदर क्या है छुरी जिधर जिधर गई बहू से दर बदर गई। और ये अब्दुल्ला अब्बासी की तवस्सुल से तमाम हाजरीन की नजर कि गुरूर नफ्स की नहीं ये हौसले की बात है, ये हौसले की बात है, गुरूर नफ्स की नहीं ये हौसले की बात, ये हौसले की बात है। हवा मेरे चिराग पर ही सरपटक मर हकीकत एक सच है। आज मसूद असलास ने शायरी का हकल हकीकत गुरूर नफ्स की नहीं ये हौसले की बात है। हवा मेरे चिराग पर ही सरर पटक मर क्या बात है बहुत हमारे सदर महफिल है और ये हमारी जो महफिल है जाहिर सी बात है कि हजरत अब्दुल्ला अब्बासी साहब की अगुवाई में उन्हीं की ज़ेरे क़यादत ज़ेरे इरादत उनके चल रही है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अब्दुल्ला साहब अपने ज़र्ब ख्यालात का इजहार ना करें। और इसके अलावा उन्होंने चूंकि कभी कभार ये कलम चलाते हैं तो जो कुछ भी है वह कह हम चाहेंगे कि वो हमारे गोशे गुजार करें। और अब्दुल्ला साहब के अंदर असल मसला ये है कि चूंकि कमोबेश उन्होंने दसों हज़ार लोगों का इंटरव्यू किया है तो उसके अंदर बेशतर वो हजरात रहे हैं जिनका कलम से ताल्लुक रहा है। तो असहाब कलम लोगों का इंटरव्यू करने के बाद में जाहिर सी बात है कि उनके अंदर अज खुद एक किस्म का दायरिया पैदा हुआ कि काश में भी साहिब कलम होता तो और अल्लाह सुभान व तआला ने फिर नवाजा भी। तो हम चाहेंगे कि आप उन तबरुक से हमें भी नवाजें। नहीं ठीक है बहुत ही मजेदार बात की इन्होंने के उन्हें के अभी मैं काफी कुछ बोल भी चुका था और इसी मौजूद पर तो इन्होंने इस बात की मुझसे आदा किया कि भाई इतने सारे लोगों के आपने इंट्रोड्यूस किए हैं तो यकीन आपके अंदर भी वो कहने का मकसद सहल अंदाज में था वो जरा सीम शामिल होंगे शायद के होते हालांकि इनसे मैंने ये भी कहा था कि मेरे अशार मेरी अल्फाज मेरी बातें मेरा कहना सब अमानत थे किसी की खासतौर पर अशार में सामने नहीं लाता क्योंकि जिनकी अमानत है उनसे मैंने कई बार कहा कि क्या मैं ये आपकी अमानत में खयानत कर दूं उनका अभी तक नहीं इजाजत मगर एक शेर था बहुत मजे का जो मैंने बहुत जोर से कहा था और लोगों की शायद समझ में भी आया कि शहर सुखन में अब्बासी है वो कौन जो शेर के पर्दे में छुपे दर्द को समझे और जिस दिन कोई इस दर्द को समझ जाएगा उस दिन अब्दुल्ला अब्बासी भी बहुत जोर से इसी जगह पे आपके सामने खड़ा होकर जरूर कहेगा कि मैं भी एक शायर हूँ। तो शायर की सच्चाई बयान करना एक बहुत मुश्किल काम होता है जितना सच अपना जितनी हिम्मत और जितना सच बोलने की सईद भाई या फयाज भाई या नदी भाई लोगों में शायर बनना भी बहुत ही मुश्किल काम होता है क्योंकि बहुत सारे सिर्फ सच्चाई जिसे उन्होंने एक बड़ी सच्चाई से बात कही एक तस्मीम है उस पर एक गिरा लगा देती है मैंने या तो गिरा क्या पूरी घुसने लगा देते हैं कोई फायदा नहीं हकीकत में सच बोलना बहुत मुश्किल काम होता है और झूठ पे कारोबार। और ये के एक चीज मैं आपको और बताऊं अब्दुल्ला अब्बासी अगर कोई शेर कहेगा आप यकीन करें कि मुझसे मंसूब हो जाएगा और वो कहेंगे देखो इतने सारे लोगों के इंटरव्यू किए इनके खुद अपने अशार जो है ना वजन में नहीं तो पता चला अब्दुल्ला अब्बासी को तो शेर और शायरी से मुझे बहुत शर्फ है अदब की खिदमत करना चाहता हूँ। एक छोटा सा मजदूर हूँ जो मजदूरी करता है सुबह से शाम तक किसके लिए सिर्फ उर्दू अदब के लिए एक शेर था बड़ा मुश्किल सा शेर करके इस खुद बना लेता हूँ मैं दहर में राहे क्या तुमने देखा नहीं बहता हुआ दरिया लोगों क्या बात है। और इसी के अंदर इसी का जो पहला शेर था कि शहर सुखन में नहीं नहीं तुमने देखा कहा हालात का चेहरा लोगों शोर मशर था मेरे शहर में बरपा लोगों ये शेर भी उस वक्त हुआ था जो अभी हमारे से मसूद असराज ने जिक्र किया उसको कॉन्टिनेंटल का एक मुशायरा था हमारा जिसमें मैंने लोकल शोरा को बुलाया था कि आधे सारे पूरे कोई से शोरा को जमा किए वहां पर ये शेर बिल्कुल सही जगह किया था कि शहर सुखद में नहीं नहीं
تم نے دیکھا کہاں حالات کا چہ، کیونکہ سارے شہروں کی اپنی اپنی مسجدیں بنی ہوئی، تو ان سارا کو ایک جگہ جمع کیا میں نے، جی ہاں، ایک مقام پہ بیٹھتے ہیں ہم لوگ، ایک ہی مقام پہ بیٹھ کے کچھ لوگ ناراض تھے، ناراضگی ان کی دور کی محبت سے، پیار سے، خلوص سے اور اپنائیت کے ساتھ، ان سے صرف ایک درخواست تھی کہ آپ لوگ مقامی طور پہ ادب کا جتنا بھی کام کر سکتے کریں، انٹرنیشنل جتنے بھی شاعر گانے ہوں گے میں لا کے آپ کو دکھاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ، اپنے عہد پہ قائم رہوں گا، اور وہ قائم رہنے کی ضرورت تھی اس وقت کے حالات، اور وہ ماحول آپ یقین کر رہے ہیں اتنا خوبصورت ماحول، وہاں سے لے کے کووڈ تک ابھی تک شعر و ادب کی دنیا میں، میں کہہ رہا ہوں اتنا اچھا ایک فریم ورک، جو خاص طور پر یہ ہمارے سعید بھائی بھی بیٹھے ہیں کہ 10 سال کا عرصہ جس طرح سے لوگوں یہ مشاعرہ وہ مشاعرہ یہاں جا رہا ہے، یہ مشاعرے چھوٹا پوچھا جا رہا ہے، بڑے مشاعرے لوگوں کے ذہنوں میں، اب لوگ مشاعروں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کب تک، یعنی لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ چاہیے، انٹرٹینمنٹ وہ گیت گانے غزل ان سب چیزیں نہیں چاہتے، کوئی کا ماحول ہی ایسا ہے، آپ یقین کریں شہروں میں جاتے ہیں تھوڑی دیر شاعری سنتے ہیں، تھوڑا ہنس لیتے ہیں، تھوڑا سا ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے، چھوٹے موٹے فنکشن ہوتے ہیں، ہنستے کھیلتے، بہت ہی کوئی کی جو خاص طور پہ سوفیکیٹڈ یعنی ایک مخصوص قسم کی گیدرنگ ہے یہاں کی محفل ہے، وہ اتنے معتبر سے لوگ ہیں نا کہ وہ لوگ جا کے بس ان کو چاہیے بس زیادہ وہ نہیں چاہیے، آرام سے بیٹھے تھوڑی دیر تعلیم ہو جائیں، تھوڑا سا ہنس دیں، تھوڑا مسکرا لیں، کبھی مسکرا دیں کبھی ہنس دیں، تو اس طرح سے ایک مخصوص قسم کی گیدرنگ ہے یہاں پہ، اس گیدرنگ کا سوال ہی، اس گیدرنگ کے اندر اگر آپ کو صرف مشاعرے کی محفلیں چلیں گی یا کوئی تھوڑی بہت چھوٹی موٹی محفلیں آپ کراتے رہیں تو بہت بہتر ہے، بس وہی کہ یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات تھی کہ مسعود حساب بھائی نے اپنی انجمن کی طرف سے مجھے یہاں بلایا، نہ صرف بلایا بلکہ مجھے عزت بخشی اور ان کی عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ، آپ کی عزتیں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کوئی اگر اتنی سی بھی دے تو وہ امانت کے طور پر اپنے پاس رکھو کیونکہ وہ امانت تمہیں واپس لوٹانی پڑے گی، وہ امانتیں تمہیں دینی پڑے گی ان کو واپس، اور وہ جب امانتیں واپس کرو یہ ذہن میں رکھنا سود کے ساتھ واپس کرنی ہے، اور آپ یقین کریں یہ محبت ہے، یہ خلوص، یہ اپنائیت جتنی آپ لوگوں نے دی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا حکیم بھائی بہت بہت شکریہ، اور آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور آپ کا اخلاص میرے ساتھ، سعید نظر صاحب کے ساتھ، اور خاص طور پہ مسعود اساتذہ کے ساتھ جو اتنی تمام مصروفیات کے بعد بھی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی سماعتوں تک اچھے سے سب کچھ چلا جائے، اور اگر آپ کی سماعتوں میں کچھ اچھی باتیں آج کی حوالے سے پہنچی ہیں تو یہ مسعود اساتذہ بھائی کو ضرور بتائیے گا، تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.